कर रहा हूँ कि मैं सबसे फास्टेस्ट कार और कूलेस्ट बाइक को मैं घर ले जाऊँ, पर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होने वाली, वो मुझे पता है. बट बिसाइड दैट मुझे लगता है कि कार्स हैज़ ऑलवेज बीन, यार लड़कों का ख्वाब होता है यार कि सबसे अच्छी गाड़ी हमारे पास हो. जब मैं 18 साल का था तब मेरी मम्मी ने मुझे एक मर्सिडीज़ गिफ्ट किया था जो मेरे भाई ने आके ठोक दी और फिर मामा ने ले लिया मुझसे. मेरी गलती भी नहीं थी, पर आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुझे ऐसा मौका मिला कि यहाँ पर मैं आऊँ और आज पहली बार है कि मैं एक अवार्ड प्रेजेंट करने वाला हूँ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. तो प्रेजेंट मतलब क्या कुछ करने वाला है, बताएगा आपको? प्रेजेंट यानी जो सबसे कूलेस्ट बाइक हो या सबसे क्विकेस्ट कार हो उनको मैं अवार्ड दूंगा. अवार्ड अभी मिला नहीं है पर देने वाला हूँ, इंशाल्लाह जल्दी मिल भी जाएगी. जी, तो क्या फील करते हैं आप? मिला नहीं है लेकिन आप देने वाले हैं, तो इट्स गुड ना? मुझे देना बहुत अच्छा लगता है. ओ, ग्रेट. और इंशाल्लाह एक दिन मैं लूंगा भी. जी बिल्कुल, हम चाहेंगे. अच्छा, आपने पहली मेमोरी आपने शेयर की कि मर्सिडीज आपकी मामा ने आपको गिफ्ट की थी. गाड़ियों का या बाइक का कितना शौक रखते हैं पर्सनली? यार बाइकों का मुझे इतना शौक नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बाइक जो है मैंने काफ़ी एक्सीडेंट्स देखे हैं और दुबई में तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट मैंने देखे हैं. तो मुझे गाड़ियों का शौक है और जहाँ तक गाड़ियों का शौक है मुझे लगता है कि सबसे फेवरेट कार जो एक दिन मेरे पास इंशाल्लाह होगी इंशाल्लाह बुगाटी. बुगाटी भी है और बुगाटी भी है, तो दोनों गाड़ी अगर मेरे पास हो तो इंशाल्लाह क्या बात है. थैंक यू सर. शुक्रिया सर. बीबीसी टॉप गियर का एक इवेंट है, ऑल अबाउट कार्स, मोटर स्पोर्ट, एवरीथिंग. सो हाउ डज इट फील टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट? इट फील्स ग्रेट बिकॉज इफ यू लुक एट इट, एक्चुअली सॉरी ये हिंदी में इंग्लिश में मुझे पता नहीं, आप सेंटर देखिएगा, आप एनी लैंग्वेज. हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर इंसान के लिए, वेदर इट इज़ अ बाइक, हर किसी का कुछ ना कुछ फैसिनेशन होता है और कार्स. जहाँ तक कि मेरा कंसर्न है, मुझे बाइक्स काफ़ी पसंद थी लेकिन मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे बोला था कि अगर तुम बाइक चलाओगे तो फिर मुझसे बात ना करना, क्योंकि उनको हमेशा लगता था कि मैं कभी ना कभी वो जो गर्म खून होता है ना बचपन में वो डॉलोसिस में कि तेज़ बाइक चलाएंगे. तो आई नेवर वॉज फॉर्चुनेट इनफ, आई हैड मेड माई फादर प्रॉमिस कि जो हो जाए मैं बाइक नहीं चलाऊँगा. लेकिन गाड़ियों का बहुत शौक है, स्पेशली SUVs, तो इट्स ग्रेट बीइंग हियर. देखिए मुझे यस, कहीं ना कहीं ये जो सारी गाड़ियाँ आपने मेंशन करी हैं, वन ऑफ माय फेवरेट्स इज़ द रेंज रोवर बिकॉज अगेन इट्स द बेस्ट SUV ऑन रोड. बट मुझे हिंदुस्तानी गाड़ियाँ भी बहुत पसंद हैं. आई फील टोयोटा विच इज़ अ वेरी गुड ब्रांड हिंदुस्तान में बहुत अच्छा कर रहा है. अभी फोर्ड भी आ चुका है, उनकी नई जो गाड़ी आई है विच इज़ डूइंग एक्सेप्शनली वेल. अदर कार्स लाइक वोक्सवैगन, होंडा, वेरी गुड फॉर सेडान एज वेल एज द SUV. सो देर आर महिंद्रा की गाड़ियाँ देखें अगर आप, वो कॉस्ट इफेक्टिव हैं. मेरे पास एक महिंद्रा होती थी, स्कॉर्पियो. So yeah, there are quite a few cars, especially the Indian brand. Mahindra is doing exceptionally well, being in the cost-effective zone. So yeah, my personal favorite is Toyota, Indian brand. But let's see now who wins. Okay, Hangat Bedi ka dream vehicle kya ho sakta hai? Dream vehicle, dekhiye, jab main chota tha na, तो मेरे पिताजी ने बोला जब तू अपने पैरों पे खड़ा होगा, पैसे कमाएगा, एक मेरे लिए रेंज रोवर लेना. तो मैं, मुझे अभी तक याद है वो उनकी बात. सो आई फील दैट एक दो साल और वेट कर लो पिताजी. अभी भी आप टोयोटा यूज़ कर रहे हैं? जी, अभी फ़िलहाल मैं टोयोटा फॉर्च्यूनर चल रहा हूँ.
उसके बाद अलावा आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट जो रिचर्ज होता है क्या, प्लीज लेट अस नो अ लिटिल बिट अबाउट इट. हाँ जी, अभी हमने ख़त्म किया है पावर प्लेस का नाम है, एक्सेल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है, अमेजोन प्राइम हैज़ कम इनटू इंडिया इन अ वेरी बिग वे. हमारे जो डायरेक्टर हैं उसके उनका नाम है करण अंशुमन. बैकड्रॉप है क्रिकेट का. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा. अगर आप कास्ट भी देखें, ऋचा चड्ढा एंड मी ऑपोजिट ईच अदर, लेकिन विवेक ओबेरॉय भी हैं, सारा जेन डायस है. सो इट्स अ ग्रेट मिक्स. संजय सूरी साहब हैं एक अच्छे रोल में, अमित सयाल हु इज अ डैम गुड एक्टर वो भी हैं, देर इज सायनी गुप्ता एंड तनुज विरवानी. सो द होल मिक्स इज़ वेरी गुड. रियली लुकिंग फॉर टू दिस. क्रिकेट मेरे खून में है. आई अंडरस्टैंड द गेम. जहाँ तक कि वॉट गोज बिहाइंड द सीन्स ऑफ वेदर इट इज़ पिकिंग अ टीम और मूविंग प्लेयर्स फ्रॉम वन टीम टू द अदर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. So it should be something which the audience will look forward to, क्योंकि ये शायद हम IPL के दौरान ही अगर मौका मिलेगा तो release होगा. तो it'll have a great impact. And what's your tomorrow's plan? Republic Day. मैं match देख रहा हूँ. मेरा जो बचपन का यार है युवराज सिंह, he's on fire. 150 उसके बाद 45. मेरे हिसाब से जो उनका 45 का knock था वो 150 से ज़्यादा महत्व रखता था, क्योंकि विकेट बहुत काफ़ी डिफिकल्ट थी बैटिंग करने के लिए. लेकिन कल मैच देखेंगे. होपफुली इंडिया जीतेगी, ज़रूर जीतनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग खेल रहे हैं, जिस तरीके से सारे प्लेयर्स स्पेशली अंडर द न्यू कैप्टन विराट कोहली, बहुत आग है. yes. हर प्लेयर में वो फायर इन द बेली है. और जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ग्रेट टू सी MS धोनी प्ले अंडर विराट, टू सी युवराज सिंह कम गुड आफ्टर 6 years. ही गॉट अ 100, अ बिग 100 दैट टू. सो होपफुली द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट इज़ वेरी ब्राइट एंड आई फील दैट समवेयर अलोंग द लाइन अब IPL से पहले जो ये दो तीन T20s हैं और इसके बाद IPL है और IPL के बाद जो चैम्पियंस ट्रॉफी है उसके लिए एक बहुत अच्छा बिल्डअप है. और इंशाल्लाह अगर ये लड़के फिट रहेंगे, और मैं दुआ करता हूँ रहे सारे, तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम इन ब्रिंगिंग द चैम्पियंस ट्रॉफी होम. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड हैव अ ग्रेट डे. मोर देन एक्सपेक्टेशन आई एम हेयर टू पे माई ट्रिब्यूट टू टॉप गियर, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन और वहाँ पे कुछ 3-4 मैगजीन्स बहुत फेमस होती हैं. टॉप गियर इज़ वन ऑफ देम. एंड आई थिंक जब भी हमें कोई रेफर करना होता है वी ऑलवेज गो टू द एक्सपर्ट्स. टॉप गियर इज़ वन ऑफ देम. दे स्टडी एंड नो ऑटोमोबाइल्स इनसाइड आउट. तो मुझे लगता है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल प्लेसेस टू बी. हाँ जी, वो मेरी गाड़ी नहीं है, वो मेरी फैमिली है, मेरी इकलौती फैमिली है. उसके अलावा मुझे मेरे पास और कुछ है नहीं. तो मेरी फैमिली का एक ही मेम्बर है वो है जिससे आप मिल चुके, वाइट कलर की जेंगो. तो आई थिंक लड़कों का, जैसे लड़कियों का मेकअप और कपड़ों से बहुत लगाव होता है, खाने को लेके बहुत लगाव होता है, तो लड़कों का गाड़ियों को लेके लगाव होता है. हमारी बाइक हो या हमारी फोर व्हीलर हो, कुछ भी हो, हम लोग थोड़े इमोशनल होते हैं गाड़ी को लेकर. मैं भी हूँ और मुझे अपनी जीप के साथ जितना टाइम स्पेंड करने को मिलता है मैं उतना करना चाहता हूँ और उतना करने की कोशिश करता हूँ. न्यू ईयर भी मैं जीप के साथ ही मनाता हूँ. तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे लड़कों के लिए तो इट्स लाइक हेवन. लड़कों के लिए तो ये एक मेले की तरह है. यहाँ पे आके बहुत सारे खिलौने और देखने को मिलेंगे आपको. तो इट्स एज एक्साइटिंग एज इट कुड बी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Where should I look? Camera. Center? मुझे सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इस इवेंट में. शानदार इवेंट है, टॉप गियर मैगजीन का है और जो कार्स होते हैं मोटर व्हीकल्स उससे रिलेटेड इवेंट है. सो हाउ डज इट फील टू बी पार्ट ऑफ दिस? Thank you so much, first of all, and I'm really obliged to be a part of this event, and it's a big event. Top Gear
मैगजीन हम लोग मतलब काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और काफ़ी टाइम से मैं पर्सनली काफ़ी टाइम से पढ़ता आ रहा हूँ. कार्स का मुझे शौक है, बाइक्स का मुझे बहुत शौक है. सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट राइट नाउ एंड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट. किस तरह की गाड़ियाँ आपको, किस तरह की व्हीकल्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं? मुझे स्पीड काफ़ी पसंद है, तो आई थिंक मेरी अगर फेवरेट आप कार भी पूछेंगे तो लैम्बोर्गिनी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्स. एंड ब्रांड वाइज अगर पूछेंगे तो BMW मेरे वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स है कार में. एंड या तो मतलब इस तरीके की कार्स मुझे पसंद आती हैं. लैम्बोर्गिनी. बचपन की पहली कार तो यार मेरी मारुति 800 थी जो तो हम सबकी आई थिंक पहली कार वही होती है. और तो मेरे पापा ने खरीदी थी एंड वो काफ़ी टाइम तक वही चली थी, मतलब मेरे स्कूलिंग तक पूरे टाइम तक वही चली थी, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे से याद है. नहीं बिल्कुल नहीं है, मतलब ये एक्चुअली मैं हर बार जब भी एक अवार्ड शो में या इवेंट में कभी भी आता हूँ या परफॉर्म भी कर रहा होता हूँ अपनी फिल्मों में, तब भी मैं हर दिन आई थिंक अनबिलीवेबल ही लगता है. बिकॉज बचपन में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये सब, जब दूसरे एक्टर्स को देखता था या स्टार्स को उस टाइम देखता था, कि मैं भी कभी वो शेयर कर पाऊँगा मोमेंट. तो आई एम रियली हैप्पी कि यार मैं अपना ड्रीम फॉलो कर पा रहा हूँ. देर आर टू अपकमिंग फिल्म्स जो मैं कर रहा हूँ और जो आने वाली हैं बेसिकली. वन इज़ अतिथि इन लंडन एंड जिसमें परेश रावल सर भी हैं एंड एक और अश्विनी धीर सर ने डायरेक्ट किया वो फिल्म. दूसरी एक फिल्म है जो मैं लव रंजन जी के साथ कर रहा हूँ, जो कि प्यार का पंचनामा के डायरेक्टर हैं और प्यार का पंचनामा 2 के भी डायरेक्टर हैं. तो वो भी फिल्म अभी भी शूट चालू है उसी का. तो ये फिल्में दोनों 2017 में रिलीज होंगी. इट्स अ कम्प्लीटली न्यू फिल्म. तो इट्स डिफरेंट फ्रॉम अतिथि तुम कब जाओगे. इट्स नहीं नमस्ते वो लंदन आ रहा है उसमें नाम में, तो इसका मतलब नहीं ना कि दूसरी फिल्म से इंस्पायर्ड है. इट्स जस्ट दैट कि इट्स अ न्यू फिल्म. यू विल वॉच द ट्रेलर, यू विल वॉच द टीजर वंस इट कम्स आउट. सो यू विल डेफिनेटली से कि इट्स अ न्यू फिल्म. थैंक यू सो मच. थैंक यू.